इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूँ प्राची तिवारी। देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत भर में दशहरा या विजयादशमी एक बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व को कहीं श्री राम के रावण पर विजय तो कहीं दुर्गा देवी द्वारा महिषासुर राक्षस के वध के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विजयादशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण को हराया था और उसका वध किया था। रावण वैसे तो महाज्ञानी था, लेकिन अपनी शक्ति के नशे में वो बेहद चूर था, जिस कारण ही भगवान राम ने उसका वध किया था। ऐसी भी मान्यता है कि रावण भगवान के बनाए नियमों को बदल देना चाहता था, लेकिन मौत की वजह से उसका ये ख्वाब अधूरा रह गया। क्या थे भगवान के बनाए वो नियम जिन्हें रावण बदलना चाहता था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रावण चाहता था कि वो स्वर्ग में सीढ़ी बनवाए। वो इस पर काम शुरू भी कर चुका था, लेकिन इसके बनने से पहले ही भगवान राम ने उसका वध कर दिया। रावण चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि धरती पर पीने का पानी पर्याप्त नहीं है। अगर उसका ये सपना साकार हो जाता तो धरती पर पीने के पानी की समस्या कभी नहीं होती। रावण चाहता था कि वो सोने में सुगंध डाल दे। दरअसल उसे स्वर्ण बहुत प्रिय था, इसलिए वो सोने की लंका में रहता था। रावण सोचता था कि अगर सोना सुगंधित हो जाएगा तो वो आसानी से उसकी खोज कर सकेगा। रावण चाहता था कि सभी लोग एक ही रंगत के हों। दरअसल रावण काला था, इसलिए वो चाहता था कि विश्व के सभी लोग गोरे हो जाएं, ताकि कोई किसी का उपहास ना उड़ा सके। रावण चाहता था खून का रंग लाल ना होकर सफेद हो जाए, जिससे कि अगर वो किसी को मौत के घाट उतार भी दे तो किसी को उसका पता ना चल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।